हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वाइल लूप का यूज़ क्यों करते हैं। सो इन पाइथन हमारे पास दो प्रिमिटिव टाइप के लूप होते हैं। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। सो हम फॉर लूप्स बाद में देखेंगे, पहले हम वाइल लूप के डिस्कस कर लेते हैं। सो वाइल लूप क्या करता है, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक कि हमारे कोई कंडीशन ट्रू रहती है। ओके, सो वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन की स्टेप। इस स्टेप में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड आती है कंडीशन, मतलब हम कंडीशन को चेक करते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। और नेक्स्ट आती है अपडेट या इंक्रीमेंट की स्टेप। सो इसमें क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं अपने वेरिएबल को। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। ओके, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया आई, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 1। और फिर क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। जब तक आई की वैल्यू 6 है से लेस देन है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आई को, और आई को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आइए रन कर लेते हैं, तो ये 1 से 5 तक की वैल्यू हमें प्रिंट कर देगा। ओके, वैल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और वाइल वैल इज लेस देन 6 क्या कर रहे हैं, रन कर देते हैं इसको। तो हमारे कुछ एरर आ रही है ऑनलाइन, हमारे पास कंपाइलर है, मे बी इसमें ऑनलाइन कंपाइलर की वजह से एरर आ रही होगी। एक बार इसको अगेन ट्राई करते हैं, और मे बी इंडेंटेशन की एरर आ रही होगी। ओके, सो इंडेंटेशन की एरर थी वो। हमने क्या किया था, 1 के नीचे स्पेस, देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन में। देखो, अगर मैंने स्पेस दे दिया तो ये क्या करेगा, अगेन मुझे एरर दे देगा। ओके, देखना, वी आई हम पहले कर रहे थे, देखो एरर आ गई, बिकॉज ये क्या है, ये आई के ब्लॉक के अंदर चला गया। इसको हमें क्या करना है, सेपरेट बनाना है। तो हम इसको बैक के लेके आएंगे, और फिर हम रन करेंगे तो यह करेगा, हमें 1 से लेकर 6 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा। तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेप होती है, देन कंडीशन चेकिंग होती है, और देन इंक्रीमेंट की स्टेप होती है। ये वाइल लूप का सिंटेक्स था। इसके अंदर एक आता है ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक का यूज़ किस लिए करते हैं, अगर हमें कोई कंडीशन चेक करनी है इसके बीच में, ठीक है। सो लेट सपोज आई इज इक्वल इक्वल्स टू 4 हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आगे मेरा लूप रन ही ना हो, मैं इसको यहीं से ब्रेक कर दूँ। तो इसके लिए ब्रेक यूज़ में आता है। अब देखना, आई की वैल्यू 1 से 3 तक ही प्रिंट होगी और ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो अब हमें प्रिंट आई को भी इंडेंटेशन में लाना पड़ेगा, और आई को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इंडेंटेशन के अंदर। तो देखो गाइस, तो ब्रेक क्या करेगा, यहीं पे हमारा स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, और आई की वैल्यू जहाँ 1 से 3 तक ही प्रिंट होगी। ओके, एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक हमारे लूप को ब्रेक कर देता है, कंटिन्यू उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर देता है। जैसे आई इज इक्वल इक्वल टू 4 के लिए हमारा क्या होगा, ये लूप चलेगा ही नहीं, सिंपली ये आइट्रेट होगा और नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, मतलब 5 के लिए चेक करेगा। अगर हम इसको रन करें तो हमें 1 से 5 तक काउंटिंग तो मिलेगी, बट उसमें आई इज इक्वल टू 4 वाला पार्ट मिसिंग होगा। आइए इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो लूप रन होगा उसमें क्या करेगा, ये आई इज इक्वल टू 4 वाले के लिए सेम रन करेगा, और 4 को ये प्रिंट नहीं करेगा। ओके, देखो मैं आपको इसमें सिंटेक्स से दिखा देता हूँ। देखो, हमने क्या किया, आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, ये इनिशियलाइजेशन वाली स्टेप होती है। फिर वाइल आई इज लेस देन 6 हम क्या करेंगे, आई को 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही क्या होगा, आई हमारे इक्वल इक्वल टू 3 हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। और अगर ये आई इक्वल नहीं है 3 के, देखो ये तो हो गया इफ वाला पार्ट, और हमने इफ एल्स में भी सीखा था, और ये है हमारा एल्स वाला पार्ट। अगर आई के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम प्रिंट करेंगे आई को। ओके, तो लेट्स सी, देखो हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा 1 से लेकर 6 तक प्रिंट तो कर देगा। ओके, बट ये क्या कर रहा है, देखो जैसे आई इसने 3 को स्किप कर दिया, बिकॉज ये हमने कंटिन्यू लगा रखा है, तो ये इस स्टेप को ही स्किप कर देगा और आगे वालों के लिए चलेगा। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट इट आउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।